बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल द फैशन इंसाइडर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि आज की मेरी जो वीडियो है वो क्रिसमस के मुतालिक है। तो क्रिसमस पर जो लगाए जाते हैं, बच्चे भी लगाते हैं, बड़े भी लगाते हैं, हेयरबैंड्स जो यूज़ करते हैं, मैं उसके आइडियाज़ लेकर आई हूँ। ये आइडियाज़ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि किस किस तरीके से आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए क्रिसमस पर अपने हेयरबैंड बना सकते हैं। तो इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल द फैशन इंसाइडर पर विज़िट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 25 जो दिसंबर है उसमें क्रिसमस आ रही है, जो हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है। तो जो हमारी ईसाई बरादरी है वो इस दिन को बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम के साथ मनाती है। जिस तरीके से हम अपनी ईद सेलिब्रेट करते हैं, तो ये लोग भी अपनी क्रिसमस को, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दिन को अपनी ईद समझ कर इसे सेलिब्रेट करते हैं और इसी तरीके से तैयार होते हैं और अपने बच्चों को तैयार करना पसंद करते हैं, जिस तरीके से हम अपनी ईद बकरीद पर तैयार होते हैं। तो उनकी इस मौके के लिए मैं उनके लिए भी और उनके बच्चों के लिए भी बहुत ही खूबसूरत हेयरबैंड डिज़ाइंस लाई हूँ। ये हेयरबैंड डिज़ाइंस बहुत खूबसूरत हैं, बहुत स्टाइलिश हैं, बहुत यूनिक हैं। इन हेयरबैंड्स को आप चाहें तो बाज़ार से भी ख़रीद सकते हैं, और अगर आपको बाज़ार से ना मिले तो आप इन हेयरबैंड्स को ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आप खुद बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और आप इन्हें तैयार करना चाहें तो आप खुद भी अपने इन हेयरबैंड्स को तैयार कर सकते हैं। ये हेयरबैंड्स बहुत खूबसूरत और बहुत ही प्यारे होते हैं। ये आपके बच्चों की लुक को बहुत चेंज कर देते हैं। और आप जिस तरीके से आप अपने इस त्यौहार को खुशियों के साथ मनाते हैं, हमारी ईसाई बरादरी जो मनाती है, तो उनके लिए ये बहुत खूबसूरत स्टाइल और बहुत खूबसूरत डिज़ाइंस हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत से ऐसे डिज़ाइंस पसंद आएंगे जो आप खुद भी अपने घर पर इजीली बना सकती हैं और चाहें तो बाज़ार से भी परचेज कर सकती हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी बहुत खूबसूरत, ये बॉल्स बाज़ार से इजीली मिल जाती हैं। इसके अलावा इसके साथ जो ये मोतियों की लड़ी लगी, ये भी आप खुद बना सकती हैं। ये वाला हेयरबैंड भी जो हमारी बाज़ार में ये डिज़ाइंस वगैरह ये चीज़ें इजीली मिल जाती हैं। अब कोई इतना मसला नहीं है इन चीज़ों को परचेज़ करना या ख़रीदना, क्योंकि हर जगह ये चीज़ें बुक शॉप पर भी ये चीज़ें इजीली मिल जाती हैं। आप चाहें तो बुक शॉप से इन चीज़ों को परचेज़ कर सकते हैं और आप अपने लिए बहुत ही खूबसूरत हेयरबैंड तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अपनी ईसाई बरादरी के लिए बहुत ही अच्छे डिज़ाइंस और बहुत अच्छे स्टाइल्स लेकर आऊँ, उनकी खुशियों में उनके साथ शरीक हूँ, जिस तरीके से वो हमारी खुशियों में शरीक होते हैं। तो उम्मीद है उन लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि ये मैंने बहुत ही खुशी के साथ इस वीडियो को तैयार किया है और बहुत ही प्यारे स्टाइल्स निकाले हैं कि वो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए इन्हें बना सकें, ख़रीद सकें। ये देखें फ्रेंड्स, ये भी बहुत खूबसूरत और बहुत इजी डिज़ाइंस हैं। ये बनाना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके अलावा इस तरह के फ्लावर्स भी बाज़ार में ईज़िली मिल जाते हैं, जो हम लोग भी फंक्शंस वगैरह पर तैयार करते हैं, अपनी जो फ्रेंच टेल वगैरह बनवाते हैं उस पर यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ें मिल जाती हैं। और इसके अलावा इस तरह का फैब्रिक भी इजीली बाज़ार से मिल जाता है, जिन्हें हम बो के साथ तैयार करके, ये देखिए मैंने अपनी वीडियो में द फैशन इंसाइडर पे इस तरीके की बो बनानी भी सिखाई है, तो आप उसमें से देखकर इस तरह की बो भी तैयार कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी बहुत खूबसूरत, और रेड और ग्रीन कलर तो वैसे ही बहुत खूबसूरत लुक देता है, और ये ख़ासतौर पर क्रिसमस के लिए तो बहुत ज़बरदस्त कलर हैं, क्योंकि क्रिसमस पे ज़्यादातर यही यूज़ होते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अब दुआ में